Welcome to hashtag EaseCoronaPhobia. Read statistics the right way. So the statistics in COVID-19India.org of 10th June updated at 12:30 shows total number of confirmed cases 276,146 and total number of active cases 133,711. So here the good news is that yesterday the recovered cases and the active cases were a kind of equal, though recovered cases were a little bit less than the active cases. But the good news today is that the number of recovered cases is increased and it is more than the number of active cases. Till today, 142,417 cases had an outcome, out of which only 7,750 were deceased and the rest of the patients got discharged, they got recovered. So the recovery rate is increasing day by day. It has now become 95%. From previously, it was 80%. Total tests done till today is 49,16,116. And out of those 49 lakh, 276,146 people get confirmed for coronavirus, COVID-19. So here the rate of incidence of confirmed cases is 5.6. Means if test would be performed on 1,000 of people, then only 56 people will come out to be positive. Matlab 1,000 लोगों का टेस्ट होने पे सिर्फ 56 लोग पॉजिटिव आएंगे. And there is no reason to get panic if you are tested positive for COVID because the disease is not lethal. और यदि आप पॉजिटिव आते भी हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो बीमारी है ये घातक बीमारी नहीं है. और ये घातक बीमारी क्यों नहीं है, ये इसकी रिकवरी रेट से ही आप देख सकते हैं. क्या आप उस डिज़ीज़ को डेडली कहेंगे कि जहाँ टोटल जो आउटकम है उस लगभग 140,000 का, उसमें से सिर्फ 7,000 के करीब मौतें हो रही हैं और 135,000 जो है ठीक हो रहा है, वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के. और सिर्फ यही नहीं बल्कि आज की डेट में जो नंबर है रिकवर्ड पेशेंट्स का वो ज़्यादा हो चुका है जो नंबर है आज एक्टिव केसेस का. मतलब मौजूद आज के डेट में जितने कोरोना पॉजिटिव केसेस विद्यमान है उससे कहीं ज़्यादा लोग जो हैं रिकवर हो चुके हैं. तो दिस शोज़ कि हमारा रिकवरी रेट जो है बहुत ज़्यादा है इस बीमारी में. तो डरने की ज़रूरत नहीं है. जो कंफर्म केसेस बढ़ रहे हैं ये 39 लाख लोगों में से जो टेस्ट हुआ है उसके हिसाब से आए हैं, जबकि अभी 130 करोड़ जनता का अगर टेस्ट होगा तो ये आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंचेगा. इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, हर साल जो है पहुंचता है. एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के आंकड़े अगर आप देखें पिछले सालों के तो 4 करोड़ से ऊपर आंकड़ा जाता है. तो जस्ट बिकॉज यू आर टेस्टेड पॉजिटिव देयर इज़ नथिंग टू पैनिक. The disease is not at all lethal. जितनी मौतें हो रही हैं वो और कारणों से हो रही हैं. कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत होना और कोरोना के कारण मौत होना दोनों में अंतर है. There is a great difference between a COVID positive patient died due to other comorbidities and a patient died because of corona. Let us see the graph. एक नज़र ग्राफ पे भी देख लेते हैं. तो यहाँ हम देख सकते हैं जो डिसीज्ड का ग्राफ है दिस इज़ स्टेबल, द रेट ऑफ इंक्रीज इन दैट इज स्टेबल, वाइल जो रिकवरी का ग्राफ है इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, यहाँ स्टीप राइज है. अब रिकवरी और एक्टिव केसेस में आप देखिए जो मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ 27th of May को एक्टिव केसेस जो है 85,000 के करीब थे जबकि रिकवर्ड केसेस 67,000, यानी रिकवरी
रेट जो था रिकवर्ड पेशेंट्स का नंबर कम था एक्टिव केसेस से। उसके बाद 28 मई को 89,000 के करीब एक्टिव केसेस, रिकवर्ड 70,000। उसके बाद 97,000 1 जून को एक्टिव पेशेंट्स और 95,000 1 जून को रिकवर्ड पेशेंट्स का नंबर। उसके बाद 4 जून को 111,000 एक्टिव पेशेंट्स और रिकवर्ड पेशेंट 108,000। और कल जो है 129,508 एक्टिव पेशेंट्स, 129,019 जो है रिकवर्ड पेशेंट्स है। और आज ये आंकड़ा बढ़ गया है 134,670 रिकवर्ड पेशेंट्स और 133,711 एक्टिव पेशेंट्स। तो रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। डर के मारे वैक्सीन लेने मत भागना, क्योंकि ये वायरस तो नोवल है ही है, वैक्सीन भी नोवल है। और इसमें कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस नहीं होगा, एक जेनेटिक कोड इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और क्या आप चाहते हैं कि एक जेनेटिक कोड आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाए? इसलिए वैक्सीन लेने के लिए मत भागिएगा, बीमारी कतई घातक नहीं है।